में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको सनफ्लावर के सीड्स ग्रो करना दिखा रही हूँ। ये देखिए सनफ्लावर की सीड्स है। ये सिंपल वाला सनफ्लावर है फ्रेंड्स, और ये है सन गोल्ड। है सनफ्लावर की ही वैरायटी फ्रेंड्स, लेकिन इसका फ्लावर इस तरह से होता है और इसका इस तरह से। और सनफ्लावर तो मैंने कई बार आपको अपने गार्डन में भी दिखाया है, मैं बहुत लगाती हूँ, क्योंकि सनफ्लावर लगाने से हमारे जो गार्डन है उसमें तितली और ये हनी भी, मधुमक्खी, बटरफ्लाई, चिड़िया और ये सब बहुत अच्छे से भंवरे वगैरह आते हैं, और जिससे हमारे गार्डन में पॉल्यूशन अच्छा सा बना रहता है। और किसी भी गार्डन के लिए पॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि इनके बिना तो गार्डन में कुछ भी ग्रो हो नहीं सकता है। तो मैंने दोनों के सीड्स निकाल लिए हैं, इसलिए आप भी सनफ्लावर को जरूर लगाइए। बहुत प्यारा प्लांट है और हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। फ्लावर्स इसमें इतने प्यारे आते हैं, सभी जानते हैं सनफ्लावर किसी से छुपा नहीं है। बहुत ही सुंदर फ्लावर है सनफ्लावर, और आप भी लगाइए। और काफ़ी इजी टू ग्रो है, इसमें कोई कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है हमें, और ये हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा ब्यूटी ब्यूटी बिखेरते हैं। और मैं तो हर 3-4 गमले की गैप में मैंने सनफ्लावर लगा रखा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सैपलिंग्स तैयार कर ली हैं, मेरे प्लांट्स थोड़े बड़े हो गए हैं। और ये देखिए सन गोल्ड के बीज हैं फ्रेंड्स, ये मेरे पास इतने ही बचे हैं क्योंकि मैंने पहले भी लगाया है, मैंने आपको अभी बताया है। और इनको हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मिट्टी ले ली है, हमारी जो एनुअल प्लांट की मिट्टी मैंने बताई है, चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो, और ये मिट्टी इसी तरह तैयार कर सकते हो। कुछ खास इसमें नहीं पड़ेगा, अगर आपके पास वो सब चीज़ें ना भी हों जो मैंने उसमें बताई हैं, तो आप सिर्फ मिट्टी और नॉर्मल मिट्टी और कोको पीट और जो भी थोड़ा बहुत उसमें आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हमें जब सीडलिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, सैपलिंग्स को ट्रांसफ़र करते समय हमें मिट्टी अच्छे से बनानी होती है ताकि पौधे को ग्रोथ मिल सके और न्यूट्रिशन मिल सके। लेकिन सीड जो है हमारा सिंपल मिट्टी में भी वो ग्रो कर जाता है, सॉइल की कुछ भी खास सॉइल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने मगर एनुअल प्लांट के लिए बनाई थी इसलिए मैंने इसमें ले लिए। तो एक वेस्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए एक वेस्ट में ही मैं लगा रही हूँ, वेस्ट का यूज़ किया करिए फ्रेंड्स। हमारा वेस्ट इस तरह हमारे काम भी आता है और इन्वायरमेंट को भी बहुत अच्छे से इनसे बचा लेते हैं हम, और साफ सुथरा रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब सीडलिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बस ये पानी से मैंने मिट्टी गीली की, और ये देखिए सीड इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सीड आप इस तरह से लगा दीजिए, और ये देखिए इस तरह से इसके सीड्स आप लगा दीजिए। बहुत ही इजी तरीके से ये लग जाते हैं फ्रेंड्स, और इनके लिए आपको कभी सनफ्लावर में मैंने कोई डिजीज भी नहीं देखी है कि आप कोई बीमारी लगती हो पौधे को। बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से इनमें मिट्टी आप तैयार करिए। सिर्फ गोबर खाद अगर आपके पास है तो काऊ डंग कंपोस्ट जब आप सैपलिंग्स को सेट करोगे गमले में तब आपको डालनी रहती है, और ज़्यादा कुछ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसको। और साथ में ही इनको लगाने से आपके गार्डन की तो ब्यूटी बढ़ती ही है, साथ में मैंने बताया कि आपको तितली और भंवरे, चिड़िया और ये सब भी, हनी बी वगैरह भी आते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट और हेल्दी बनते हैं, तो इनकी भी कमी ये पूरी करते हैं। और मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैंने गार्डन में कैसे लगाया हुआ है इनको। सो फ्रेंड्स मेरे ये 2 हफ्ते के ये देखिए प्लांट हो गए हैं, देख सकते हैं, और इनमें ये देखिए बड भी आ रही हैं, सब में बड्स आ रही हैं। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है इनको, और ये देखिए इनको पॉट जो है, पॉट की रिक्वायरमेंट, इनको गहरा पॉट चाहिए होता है। इनको कम से कम आप 10 से 15 इंच का पॉट देंगे फ्रेंड्स तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। इसके बाद मैं और दिखा दूँ, ये देखिए फ्रेंड्स वेस्ट का फिर से वही वेस्ट मैंने यूज़ किया यहाँ पर। ये देखिए कितने बड़े हो गए हमारे सनफ्लावर के प्लांट। ये देखिए ये मैंने 3 हफ्ते के प्लांट हैं, ये वो 2 हफ्ते के थे, और मैंने देखिए हर स्टेज के आपको दिखा दिए, इनमें भी बड्स आ रही हैं ये देखिए, और खूब अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे और हर तरफ इनको गार्डन में मैं रख दूँगी और बहुत प्यारे लगेंगे। और एक वेस्ट ये देखिए पैकेट जो होता है ना, ये देखिए क्रैक्स का, सॉरी ये मुझे दिख नहीं रहा किस चीज़ का पैकेट है ये, तो वेस्ट में ये देखिए इस तरह से आप लगाइए और खूब अच्छे से ये फ्लावरिंग भी करेंगे। और एक प्यारा सा प्लांट दिखाते हुए वो है अपराजिता। आप देख सकते हो मिक्सचर खाद मैंने आपको बताई थी इसमें देने को, उसके देने के बाद वैसे भी इसमें खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही थी, क्योंकि समय समय पर मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ अपने होममेड, ज़्यादातर मैं होममेड ही डालती हूँ फ्रेंड्स। और उसको देने के बाद आप देख सकते हो इसकी फ्लावरिंग लाजवाब हो चुकी है, तो ज़रूर लगाइए। इस टाइम खूब अच्छा मेरा ये अपराजिता ग्रो कर रहा है, तो इसी
प्यारे से फ्लावर को दिखाते हुए वीडियो का अंत करती हूँ फ्रेंड्स। और सनफ्लावर के सीड्स आप जरूर ग्रो करिए। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।